पूर्ण पूर्ण मुंबई ही राममय झालेली आहे, महाराष्ट्र राममय झालेला आहे, पूर्ण देश राममय झाला आहे। आजचे 3 दिवस मी मुख्यमंत्री मोदींसमोर दावोसला परदेशामध्ये होतो, तिथे देखील आम्ही बघितलं की सगळे भारतीय राममय झालेले आहेत आणि आपल्या परदेशातल्या भारतीयांनी पूर्ण जग राममय करून टाकलेलं आहे। एवढी ताकद या राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्यामध्ये आहे आणि याचं सगळे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना जातं। केल्याप्रमाणे अनेक चालकांनी आणि मालकांनी त्याच्यामध्ये आयनॉक्स आहे, पीव्हीआर आहे, सर्वप्रथम मैं हमारे देशवासियों को राम प्राण प्रतिष्ठान राम मंदिर अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आज हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था वो पूरा किया हुआ है। इसी प्रकार आज मागाठाणे मतदार क्षेत्र में आप देखोगे तो संपूर्ण मागाठाणे में यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव हम मनाने जा रहे हैं आमदार प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में। ये उत्सव आज राम मंदिर का स्थापना और प्रभु श्री राम का आगमन हम यहाँ मागाठाणे में करने वाले हैं। इसी में हमारे विशेष आकर्षण में राम रथ यात्रा निकलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो दुनिया में जिन्होंने बेस्ट डांसेस परफॉर्म किए हैं वो X1X टीम का भी यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। उनके द्वारा प्रभु श्री राम के संगीतों पे नृत्य का प्रदर्शन होगा और ऐसे अनेक चीजें आज मागाठाणे के नागरिक अनुभव करने वाले हैं। हमारे लिए हमारे सेलिब्रिटी सम्माननीय उद्योग मंत्री उदय सामंत जी है और उन्हीं के साथ साथ हमारे युवा सेना के युवा नेतृत्व श्री खासदार श्रीकांत शिंदे जी है, यही हमारे लिए सबसे बड़े सेलिब्रिटी है और आज उनका आगमन मागाठाणे मतदार संघ में उदय सामंत साहब का आगमन होने वाला है। यहाँ पे बाला साहब ठाकरे के जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। 500 वर्ष के बाद यहाँ पे बना रहे हैं के जो सपना है वो मोदी साहब ने पूरा किया, इसलिए पूरा मागाठाणे में प्रकाश दादा के नेतृत्व में ये पूरा जोश में पूरा आज प्रकाश दादा मोदी जी को समर्थन देने के लिए और कल राम जी की कल स्थापना हो रही है इसका पूरा हमारा काजूपुरा का इलाके में जो पूरा जो जोश है वो यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आज आपकी तरफ से आज यहाँ पे कितने लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पे एकत्रित होने के लिए? यहाँ पे काजूपाड़ा के कम से कम 700 के 800 लोग यहाँ पे मौजूदा। आप भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग यहाँ से हम लोग शांतिवन से ले पूरा काजूपाड़ा से पूरा घुमा के शांतिवन होके दादा के ऑफिस से लेके हम लोग मारुति मंदिर वहाँ पे पहुँचेंगे। क्या लग रहा है कि आज जय जयकार होगी रामलला की? यहाँ पे श्री राम मंदिर का जो स्थापना हो रहे है इसलिए पूरा हिंदुस्तान में जो जोश हो रहा है वो सबके हर आदमी के मन में जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है। क्या आप अयोध्या जाएंगे? देखो अयोध्या अगले महीने में जाएंगे हम लोग। और क्या कहना चाहते हैं अभी और भी राम भगवान के प्रति क्या कहना चाहते हैं? राम जी का जो जलसा हो रहा है वो भारत देश के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाला है। कल 12:20 में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उनकी बड़ी इच्छा थी कि राम मंदिर बनेगा और वो मोदी जी की उनके आशीर्वाद से उनकी सरकार में वो बन रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन हम लोग के जो विधायक है प्रकाश दादा सुर्वे, हम लोग के मागाठाणे में देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दिवाली सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है और खुद विधायक हमारे अशोकवन में जो मारुति मंदिर है उनके बाजू में एक राम मंदिर बनाने वाले है, तो हम लोग की भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी कि हमारे मागाठाणे में को भी एक राम मंदिर मिल जाएगा। राम लला का जलसा निकलने वाला शाखा 11 से जो शाखा प्रमुख है सुभाष सिंह, क्या कहना चाहते? आज जो है आज बड़ी जीत हासिल हो गई है। मोदी जी हमारे जो कभी नहीं हुआ था मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी बाला साहब का आशीर्वाद था, उन्हीं के कदम पे कदम रख के हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं।
और हमारे बागाड़ा ने विधानसभा के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे की तरफ से हम सब हमारे शाखा प्रमुख सुभाष हेरुनकर साहब, अशोक यादव, खाते साहब, हम लोग सब लोग यहाँ से रैली निकाल के भव्य ऐसी वहाँ पर महाआरती करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आज रामलला के प्रति? 500 वर्ष जब जो रामलला का जो था उनको वहाँ पे अयोध्या में उनको आना था, जो वहाँ पे कल विराजमान होंगे, इसमें हम पूरी जनता बोले तो पूरे भारतवर्ष के लोग उनके साथ हैं, उनके साथ समर्थन है, उनके साथ हम खड़े हैं और उनके एक उनकी सद्भावना के साथ हम उनके साथ हैं।